मैं श्री महेंद्र भट्ट जी के इस कथन का, उनकी इस मांग का समर्थन करता हूं। केंद्र के स्तर पर केंद्र से ओबीसी स्टेटस दिलाने में वो एक मांग उठाएं, सहयोग करें और हम कांग्रेस जन बिल्कुल निसंदेह राजनीति को परे रखकर उनकी इस मांग में शरीक होंगे, उनकी इस बात को बल देंगे, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। दोस्तों नमस्कार। उत्तराखंड सरकार और उत्तराखंड सरकार के मंत्रियों पर अलग अलग मुद्दों को लेकर के तीखे हमले करने वाले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने आज राज्यसभा सांसद और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की तारीफ की है और कहा है कि वो महेंद्र भट्ट के इस कार्य से सहमत है। आखिर महेंद्र भट्ट ने ऐसा क्या कार्य किया है कि लगातार भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों पर कई मुद्दों पर तीखे हमले करने वाले गणेश गोदियाल ने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की तारीफ की है और साथ ही कहा है कि यदि वो इस कार्य को आगे बढ़ाते हैं और निष्ठा से करते हैं तो पूरी कांग्रेस उनके साथ रहेगी। आखिर गणेश गोदियाल ने किस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट की तारीफ की है और उनके बयान व उनके कार्य में सहमति जताई है, आइए सुनते हैं। संसद के निवर्तमान सत्र में भारतीय जनता पार्टी के उत्तराखंड प्रदेश के अध्यक्ष और राज्यसभा में सदस्य श्री महेंद्र भट्ट जी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया। श्री महेंद्र भट्ट जी ने पैनखंडा को केंद्रीय स्तर पर भी, जो वर्तमान में राज्य के स्तर पर पैनखंडा को ओबीसी स्टेटस है, उस स्टेटस को केंद्रीय स्तर पर भी मान्य करने की बात कही। मैं श्री महेंद्र भट्ट जी के इस कथन का, उनकी इस मांग का समर्थन करता हूं। श्री महेंद्र भट्ट जी ने ये कहा कि 2016 में पैनखंडा को ओबीसी स्टेटस प्राप्त हुआ, हालांकि वो इस बात को, इस सच्चाई को कहने में चूके कि पूर्व में उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार ने, हरीश रावत जी की सरकार ने पैनखंडा को ये ओबीसी का स्टेटस दिया और उस समय सिर्फ पैनखंडा को ही नहीं, कई अन्य जगहों पर भी ओबीसी स्टेटस मिला, जिससे कि आज संबंधित उन तमाम संबंधित स्थानों पर वहाँ के निवासियों को बहुत उसका फायदा मिल रहा है और इसमें एक राठ क्षेत्र भी शामिल है। पौड़ी गढ़वाल का राठ क्षेत्र उस समय ओबीसी में शामिल हुआ और वहाँ पर जो अभी बच्चे तमाम जो प्राइवेट कॉलेजों में नर्सिंग का कोर्स कर रहे हैं या सरकारी कॉलेजों में नर्सिंग का कोर्स कर रहे हैं या स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे हैं, अगर वो चाहते हों, उनके अभिभावक चाहते हों, तो ओबीसी छात्रों को जो फीस पड़ती है उस फीस को कंपनसेशन किया जाता है, उस फीस को वापस दिया जाता है, उनको वजीफा मिलता है, तो ये बड़ी राहत है। इसके अलावा जो एडमिशन होते हैं स्कूलों में या इंजीनियरिंग कॉलेजों में, मेडिकल कॉलेजों में, आईटीआई में, तमाम जो भी राज्य में हमारे जो संस्थान हैं उन संस्थानों में, चाहे वो राज्य के संस्थान हो चाहे वो केंद्र के संस्थान हो हमारे प्रदेश में, उन सभी संस्थानों में एडमिशन में उनको रिजर्वेशन है, नौकरियों में रिजर्वेशन है, तो एक बड़ी सौगात उन क्षेत्रों को उस समय मिली, कांग्रेस की सरकार के द्वारा मिली, ये उन्होंने ये कहने से वो चूके। लेकिन फिर भी उन्होंने पैनखंडा को सेंट्रल आधार पर, मतलब केंद्रीय स्तर पर भी ये स्टेटस दिलाने की बात कही। मैं उनकी इस मांग का समर्थन करता हूं, पर वो एक चीज भूल गए कि वो अब सिर्फ एक स्थान तक सीमित नहीं है, वो अब उत्तराखंड के राज्यसभा के सदस्य हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के राज्य के प्रदेश के अध्यक्ष हैं और राज्यसभा के सदस्य के रूप में वो पूरे राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इसलिए मेरा आग्रह है श्री महेंद्र भट्ट जी से कि चूंकि उनको ही मौका मिला है कि वो वहाँ पर संसद में जाएं, अपनी बात कहें, भारतीय जनता पार्टी के अन्य 5 लोकसभा के सांसद भी हैं, अन्य राज्यसभा के सांसद भी हैं, सभी के सभी सांसद चाहे राज्यसभा के हैं चाहे लोकसभा के हैं, इन्हीं को अधिकार है कि वो जाएं और उत्तराखंड की बात को संसद में उठाएं। मेरा इन सब माननीय लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य गणों से ये आग्रह है कि पूरे उत्तराखंड का पहाड़ी भूभाग, पहाड़ की, उत्तराखंड के पूरे पहाड़ी क्षेत्र की इस आवाज को संसद में उठाऊंगा, इस मांग को संसद में उठाऊंगा कि ये स्टेटस पूरे पहाड़ को मिलना चाहिए, पूरे उत्तराखंड को मिलना चाहिए। लेकिन चूंकि मैं वो सौभाग्यशाली साबित नहीं हुआ कि मैं
इस आवाज को ले जाकर संसद में पहुंच सकूं। लेकिन ठीक है, हमारे जो भाई लोग वहां पर गए हैं, दल अलग बात है कि वो अलग दलों के हैं, लेकिन मैं उनसे ये उम्मीद करता हूं, मैं उन सब लोकसभा के सदस्यों से ये मांग करता हूं कि वो एक होकर पुरजोर तरीके से पूरे पहाड़ी क्षेत्र को, उत्तराखंड के पूरे पहाड़ी क्षेत्र को ये ओबीसी स्टेटस दिलाने में, केंद्र के स्तर पर केंद्र से ओबीसी स्टेटस दिलाने में वो एक मांग उठाएं, सहयोग करें। और हम कांग्रेस जन बिल्कुल निसंदेह राजनीति को परे रखकर उनकी इस मांग में शरीक होंगे, उनकी इस बात को बल देंगे, ये मैं आपसे वादा करता हूं। तो कृपया माननीय भट्ट जी, आप सिर्फ पैनखंडा तक सीमित न रहिए, पूरे राज्य आपके हाथ में है, और माननीय सदस्यों से भी मेरी यही अपील है। दरअसल राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने राज्यसभा में पैनखंडा के ओबीसी को लेकर के मांग की थी कि उसे केंद्र के आधार पर किया जाए। गणेश गोदयाल ने महेंद्र भट्ट की इसी संबंध में तारीफ की और कहा कि महेंद्र भट्ट जी मामला सिर्फ पैनखंडा तक सीमित ना रखें, पूरे उत्तराखंड की ओबीसी को केंद्र के आधार पर किया जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने राज्यसभा के 3 सांसद एवं लोकसभा के 5 सांसदों से गुजारिश की है कि उत्तराखंड के पहाड़ों के मुद्दों को संसद में जरूर उठाएं, और उन्होंने अफसोस भी जताया कि यदि मुझे मौका मिलता तो मैं संसद में उत्तराखंड के कई सारे मुद्दों को उठाता। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गणेश गोदयाल ने कहा है कि यदि इस मांग को हमारे सांसद संसद में उठाते हैं तो पूरी कांग्रेस उनके साथ एकजुट होकर खड़ी रहेगी। दोस्तों, राज्यसभा सदस्य महेंद्र भट्ट और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गणेश गोदयाल के विचार आपको कैसे लगे? उत्तराखंड ओबीसी के बारे में आपका क्या कहना है? केंद्र के आधार पर की जाने वाली मांग के बारे में आप क्या सोचते हैं? अपने विचार जरूर रखिएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।